दोस्तों, क्या आपने किसी ऐसी टीवी शो के बारे में सुना है जो भविष्य बता सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिम्पसंस कार्टून के बारे में। सिम्पसंस कार्टून एक बहुत मिस्टीरियस टीवी शो है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है जिसकी भविष्यवाणी सिम्पसंस कार्टून ने सालों पहले ही कर ली थी। दोस्तों, सिम्पसंस के बहुत सारे प्रेडिक्शंस तो काफी शॉकिंग भी है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने का प्रेडिक्शन भी सिम्पसंस ने सालों पहले कर लिया था। डिज्नी को लेके भी सिम्पसंस ने कुछ भविष्यवाणी की थी जो सच साबित हुई है। दोस्तों, सिम्पसंस के इन भविष्यवाणियों ने पूरी दुनिया को हैरान किया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिम्पसंस कार्टून का निर्माता कोई टाइम ट्रेवलर था जिसे सब कुछ पहले से ही पता था, या सिम्पसंस प्रेडिक्शन सिर्फ लोगों का वहम है? और सिम्पसंस के ऐसे कौन से प्रेडिक्शन है जिसने पूरी दुनिया को हैरान किया हुआ है? दोस्तों, इन सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नोबेल प्राइज वाले इंसिडेंट की। आपको बता दें, सिम्पसंस के 2010 के एक एपिसोड ब्लिंक एंड यू विल मिस इट शॉर्ट में मिलहाउस, जो कि सिम्पसंस का एक कैरेक्टर है, उसने शर्त लगाई थी कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज बेन रॉबर्ट होलस्ट्रॉम जीतेंगे। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि 6 साल बाद यानी 2016 में सचमुच में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज होलस्ट्रॉम ने जीता था, यानी सिम्पसंस का ये प्रेडिक्शन एकदम सच साबित हुआ। दोस्तों, क्या आपको पता है स्मार्ट वॉच कब बनी? अगर नहीं तो आपको बता दे, दुनिया की पहली कमर्शियल स्मार्ट वॉच साल 2014 के बाद रिलीज हुई थी, पर सिम्पसंस ने स्मार्ट वॉच पहले से ही प्रिडिक्ट कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, ये बात एकदम सच है। द सिम्पसंस के सीजन 6 एपिसोड 19, जो कि 1995 का एक एपिसोड है, इसका टाइटल लीजा'स वेडिंग है। इस एपिसोड में लीजा के पति ह्यूग एक तरह की स्मार्ट वॉच का यूज करते दिखाए गए है, यानी सिम्पसंस टीवी शो बहुत साल पहले ही हमें स्मार्ट वॉच के बारे में बता चुका था। दोस्तों, द सिम्पसंस एक कार्टून शो है। इसके साथ ही द सिम्पसंस मूवी भी सिम्पसंस से रिलेटेड एक मूवी है जो 2007 में रिलीज हुई थी। आपको बता दें, सिम्पसंस में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। सिम्पसंस फैमिली में 5 मेन कैरेक्टर्स हैं, होमर, मार्च, बार्ट, लीजा और मैगी। एक खास बात ये है कि द सिम्पसंस शो मैट ग्रोनिंग ने बनाया था। उन्होंने सारे कैरेक्टर्स के नाम अपनी फैमिली मेंबर्स के नाम पे रखे थे। दोस्तों, 1999 में टाइम मैगजीन ने द सिम्पसंस को 20 शताब्दी का सबसे अच्छा शो माना था। दोस्तों, आपको जो हम बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कोविड-19 की प्रेडिक्शन भी सिम्पसंस ने सालों पहले कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, सन 1993 में ही कोविड-19 की प्रेडिक्शन हो चुकी थी। द सिम्पसंस के सीजन 4 एपिसोड 21 में दिखाया गया है कि द सिम्पसंस में एक ग्लोबल पैंडेमिक आया है। इस पैंडेमिक का नाम था ओसाका फ्लू। ओसाका फ्लू जापान से ओरिजिनेट हुआ था और किसी जापानीज वर्कर के बॉक्स में कफ करने के कारण ये फ्लू चाइना और बाकी देशों में फैल गया था। आपको बता दें, ये हर तरह से कोविड-19 जैसा लग रहा था। सिम्पसंस फैंस का कहना है कि ओसाका फ्लू और कुछ नहीं बल्कि कोविड-19 का ही संकेत था। यानी हम ये मान सकते हैं कि सिम्पसंस कोविड-19 के प्रेडिक्शन बहुत पहले कर चुका था। दोस्तों, इन सब प्रेडिक्शंस के बारे में सुनकर तो ऐसा लगता है कि सिम्पसंस के निर्माता पहले ही फ्यूचर जानते थे। दोस्तों, एक और खास प्रेडिक्शन जो हमारे सामने आई है वो ये है कि जब जो बिडेन राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले थे, तब टॉम हैंक्स ने राष्ट्र को संबोधित किया था। जैसे ही ये घटना हुई, सिम्पसंस फैंस अचानक से बोलने लगे कि ये 14 साल पहले रिलीज हुई सिम्पसंस मूवी का ही एक सीन लग रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लीजा'स वेडिंग एक ऐसा सिम्पसंस एपिसोड है जिसने बहुत सारे भविष्यवाणियां की है। आपको बता दें, इस एपिसोड में लीजा और उसके पति ह्यूग पार्कफील्ड एक यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। अब हैरान कर देने वाली बात ये है कि इस यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन की जगह रोबोट्स दिखाए गए हैं। 2016 में एबरिस्टविथ यूनिवर्सिटी के बच्चों ने एक रोबोट का प्रोटोटाइप बनाया था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे सिम्पसंस में दिखाया गया था। इस रोबोट का नाम लोगों को गाइड करना और बुक्स ढूंढना था,
एक और खास चीज ये है कि इस रोबोट का नाम ह्यूग था, यानी एक बार फिर सिम्पसन्स प्रेडिक्शन बिल्कुल सच साबित हुई। दोस्तों, जब भी कोई बड़ी चीज या कुछ घटना घटती है तो सिम्पसन्स के फैन उसे सिम्पसन कार्टून से रिलेट करने लगते हैं। हाल ही में ऐसा ही कुछ दोबारा हुआ है। सिम्पसन का एक एपिसोड होमर्स पैटर्निटी कूप की तुलना टाइटैनिक सबमर्सिबल डिजास्टर से की जा रही है। इस एपिसोड में होमर, जो कि सिम्पसन का मेन कैरेक्टर है, उन्हें एक आदमी मिलता है जिसे देखकर होमर को लगता है कि वो आदमी होमर के खोए हुए पिता है। अब होमर और उस आदमी किसी पुराने डूबी हुई शिप को ढूंढने के लिए पानी की गहराई में जाते हैं। तभी आपदा आ जाती है और होमर वही फंस जाता है। थोड़े टाइम बाद होमर अपनी आंखें हॉस्पिटल में खोलता है। अब थोड़े समय पहले रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ था। एक सबमर्सिबल जिसमें 5 व्यक्ति थे, वो टाइटैनिक को ढूंढने के लिए जा रहे थे। अचानक ही उनकी सबमर्सिबल फट गई। इस इंसिडेंट ने दुनिया भर से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि सिम्पसन ने ये सब पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। दोस्तों, सिम्पसन्स कार्टून की इतनी सारी भविष्यवाणियां सच हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि सिम्पसन क्रिएटर मैट ग्रोनिंग क्या कोई टाइम ट्रेवलर थे, या फिर हम लोग इस विषय में ज्यादा सोच रहे हैं, यानी ये सब सिर्फ हमारा वहम है। दोस्तों, इस बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। माना जाता है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं कि सिम्पसन्स के निर्माता टाइम ट्रेवलर थे। पर दोस्तों, अब सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर सिम्पसन की इतनी सारी भविष्यवाणियां सच कैसे हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सिम्पसन्स प्रेडिक्शंस केवल एक कोइंसिडेंस है। दोस्तों, अब हम आपको सिम्पसन की एक मोस्ट शॉकिंग प्रेडिक्शन बताने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं सीजन 10 के एपिसोड 2 की। इस एपिसोड का टाइटल था द विजार्ड ऑफ एवरग्रीन टेरेस। इस एपिसोड में दिखाया गया है कि होमर थॉमस एडिसन जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। होमर बोर्ड पर कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लिखते हैं, जिसका मतलब किसी को नहीं पता। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2012 में सर्न कंपनी हिग्स बोसॉन ने एक इक्वेशन का डिस्कवरी की थी, और ये इक्वेशन और होमर की इक्वेशन अप्रोक्सीमेटली समान है। होमर ने 14 साल पहले ही इस इक्वेशन को प्रिडिक्ट कर लिया था। दोस्तों, लेडी गागा को तो आप सब जानते ही हैं। द सिम्पसन्स कार्टून शो ने लेडी गागा को लेकर भी भविष्यवाणी की थी। हम बात कर रहे हैं सीजन 23 के एपिसोड 22 की। 2012 में रिलीज हुए इस एपिसोड का टाइटल था लीजा गोज गागा। इस एपिसोड में दिखाया गया था कि लेडी गागा स्प्रिंगफील्ड का दौरा करती है और ऑडियंस के ऊपर से उठते हुए अपना गाना गाती है और शो के बीच में पियानो भी बजाती है। दोस्तों, अब आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि 2017 में ऐसा सचमुच हुआ था। लेडी गागा ने सुपर बाउल हाफ टाइम शो में अपने गाने गाए और वही थोड़ी देर बाद ऑडियंस के ऊपर से जाते हुए गाना गाया, और बाद में हाफ शो खत्म होने के बाद पियानो भी बजाया। दोस्तों, आज हमने सिम्पसन्स के बारे में बहुत कुछ जाना है। सिम्पसन प्रेडिक्शन वाकई हमारी कल्पना से बाहर है। सिम्पसन के अभी भी बहुत सारे ऐसे राज हैं जो हमसे छुपे हुए हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल